तो मैं लेने आ गया प्लास्टिक और आपको कुछ ऐसे हार्डवेयर की दुकान से प्लास्टिक मिल जाएगी। तो रेड वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक वाला भी सही है, तो मैं रेड वाला ले लेता हूँ। तो ये आ रहा है मुझे ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ पर केजी है, तो मैंने जितना लिया वो 70 पड़ा, कुछ 400 ग्राम्स कुछ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप प्रमंडल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग असाइनमेंट फिशिंग। दोस्तों आज मैं अपना मॉली टैंक में जो प्लास्टिक है उसको रिप्लेस कर रहा हूँ और आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो आप लोग का ये सवाल रहता है कि ठंडी में मछलियाँ कैसे बच रही है। तो यहाँ पे वैसे ही बच रही है, मैं उनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग तक पहुँचाऊंगा कि किस तरीके से मैं बिना हीटर के, बिना फिल्टर के, बिना एयर पंप के मछलियों को पाल रहा और सबके सब बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करें। तो अभी जो है चेंज कर लेंगे और उसमें रिवर फिशेस भी डाले थे मैंने बच्चे। एंड बहुत लोग का ये भी सवाल था कि आपके जो गप्पी फ्राइज छोटे छोटे वो तो छोटे ही दिखते, वो बड़े नहीं हुए हैं, कहाँ पे रखे आपने? तो मैंने उनको ट्रांसफर किया था मॉली पॉन्ड के साथ, तो वो भी आज आप देख पाओगे कि उनका ग्रोथ कितना हुआ है, कितने बड़े हुए हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पानी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है लीक कर रहा है नीचे से, तो नीचे काफ़ी सारे छेद हो चुके हैं और मैं बताने वाला आपको कैसे हुआ। तो नीचे से जो है पानी इस तरीके से लीक हो रहा है, देखो फुल हो गया ये। ये पूरा निकालने के बाद मैं आप लोग को सारे फिश दिखा दूंगा। यहाँ पर रिवर फिश है और हमारे छोटे गप्पीज है जो अभी बड़े हो चुके हैं ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े, एंड देन मॉलीज है, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको पहले निकालेंगे और मछलियाँ दिखाएंगे, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ कैसे निकालूँ। बहुत प्लांट्स हैं यहाँ पे, कहीं मछलियाँ जो है यहाँ पे हर्ट ना हो जाए। तो ये तो इतना बड़ा वाला है, एंड इस बार मैं इसको काट के भी लगा सकता हूँ या फिर तो देखते हैं। एंड वाटर हाइसिन भी काफ़ी बड़ा हो गया है, हमारे कुछ वाटर लेटर्स सड़ गए और कुछ बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले ये नीचे के जितने भी जो हमने लगाए हुए हैं मटेरियल्स उनको निकाल लेंगे, ताकि मुझे ये थोड़ा सा पानी कम करके मैं आप लोग को फिश दिखा पाऊँ। सब छुपे हुए हैं अंदर अंदर, बहुत सारे मछलियाँ हैं इसमें। ये है हमारे सारे हाइड्रेलाइन को सब्सट्रेट मिल जाता है ना, सॉइल सब्सट्रेट, तो ये मस्त ग्रो करते हैं। अभी इतने अच्छे से ग्रो नहीं किए बट स्टिल फाइन। अगर मैं इस टैंक की बात करूँ तो वेस्ट गंदा ज़रूर हुआ है, वो फिश के वेस्ट है, लेकिन अगर स्टोन्स को देखोगे तो स्टोन्स गंदे नहीं हुए हैं। आप देख रहे हो स्टोन्स साफ ही है, इवन जितने भी मैंने निकाले हैं अभी देखिए उतना ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए था। इवन जितने भी मैंने क्ले पॉट्स भी निकाले ना सबके सब साफ ही है, मुझे थोड़ा सा ही वॉश करना पड़ेगा। अभी निकाल लूँगा ये लेमना माइनर, फिश तो बहुत दौड़ रहे हैं, मॉलिस तो बहुत ही एक्टिव है, ये बलून मॉलिस ना काफ़ी एक्टिव है। तो इस साइफन ट्यूब से निकाल लूँगा पानी और कम कर लेते हैं पानी और ये गंदगी भी निकाल लेते हैं। तो सफाई शुरू हो चुकी है और मैंने एंड पे जो है एक नेट लगा दिया, इनके अगर कोई मछली निकल भी जाती है तो वहाँ फंस जाए और मैं इसको फिर से निकाल पाऊँ। तो मैंने नीचे का क्लीन कर लिया और पानी बिल्कुल कम रखा है ताकि मैं आप लोगों को मछलियाँ दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे रेड स्पॉट टेल है आप देख सकते हो दो, और इन दोनों को मैं रखा हुआ था और आई थिंक ये प्रेग्नेंट है, देख सकते हो आप, और इतनी एक्टिव है आप देख रहे हो। और मौसम बिल्कुल ठंडा है, पानी बिल्कुल ठंडी, और यहाँ देखिए झुंड मछलियों का, यहाँ पे गप्पीज एंड रिवर फ्राइज इस जो भी है सारे के सारे यहाँ पे जो है एक साथ है और लोगों ने गैंग बना लिया। और मेरे गप्पीज को देखिए बड़े हो गए हैं, तो ये सारे गप्पीज है आपको दिख रहा है जो थोड़े मोटे मोटे हैं ना, ये सारे गप्पीज है, एंड यहाँ पर भी है देखो। तो ये हमारे फिश टैंक में फुल एंजॉय कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ये हमारी मॉली, मॉली की एक बच्ची जो है बड़ी हो चुकी है, एंड यहाँ पर हमारे मॉली सारे तीनों के तीनों है, ऐसा परेड कर ऐसा लग रहा है। तो ये डलमेशियन मॉली है एंड ये नॉर्मल हमारी मॉली है, और ये ब्लैक मॉली, इसने बच्चे दिए थे। और ये टैंक की कैपेसिटी थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इतने सारे फिश रखे हैं। और अब इन फिश को हम डाल देंगे यहाँ पर जहाँ पे मैंने पानी लेकर रखा हुआ है इसी टैंक का, और फिर इस टैंक को हम अच्छी तरीके से जो है साफ करके नया प्लास्टिक डालकर हम इन फिश को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। ये रिवर फ्राइज इनके साथ एकदम घुल मिल गए हैं और बढ़िया तरीके से है। उसको फटा यहाँ से था, ठीक है, पानी अभी भी यहाँ से घिर रहा है, देखो ड्रॉप वाइज ड्रॉप यहाँ से फटा था, और फटा कुछ यहाँ से है, तो यहाँ कहीं से फटा है जो दिख नहीं रहा है, बट देन फटा हुआ है, काफ़ी सारी जगहों से फटा हुआ है, ऐसे ऐसे पॉइंट किया हुआ है मतलब कि। दोस्तों बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कल की बात है, तो मेरे रिलेटिव्स आए थे यहाँ पे और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और उनको मैंने ये दिखा था, उन्होंने बोला था कि मतलब मेरे घर वाले बोल रहे थे कि ऊपर भैया ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ बनाया है देख कर आओ, तो उनको मैं लाया था दिखाने के लिए और मेरा फ़ोन आ गया उसी वक्त, तो मैं फ़ोन में बात कर रहा था और मैं देखा कि तीन बच्चे यहाँ पर लकड़ी लेकर, यहाँ पे काफ़ी सारे लकड़ियाँ आए देख सकते हो आप, यहाँ से उन्होंने लिया था, इसके नीचे आप देख रहे हो
इनको लेकर वो छेड़ रहे थे और वो प्लास्टिक है तो ऐसे दबाया रहेगा तो कहाँ कहाँ से फट गया और देन पानी लीक होने लगा। तो कल तो मैं इसको साफ नहीं कर पाया तो मैंने क्या किया पानी का लेवल थोड़ा कम कर दिया ताकि प्रेशर कम रहे और ड्रॉप वाइज धीरे धीरे गिरता रहे और सुबह आकर फिर अभी मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये केस हुआ। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको वार्न कर दीजिए पहले से दोस्तों। तो मैंने तो समझाया, देखते हैं अभी बच्चे हैं मन के सच्चे, इट्स फाइन राइट। अब देखोगे मेरे इन फिश को तो देखिए कितने हेल्थी है सबके सब राइट, एकदम हेल्थी एंड तंदुरुस्त है। ना ही मैं कोई फिल्टर लगाता हूँ, ना ही मैं कोई वाटर पंप एंड ना ही कोई हीटर। तो चलिए इनको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं जल्दी से। ये ब्लैक वाली मेरी फेवरेट है सही में, मुझे इतनी पसंद है ना ये, एकदम टैटपोल जैसी है, बहुत ही प्यारी है यार सीरियसली। ये जो मेल है ना ये बहुत बदमाश है, ये मतलब क्या बोलूं बहुत डोमिनेटिंग है। मैंने देखा है इसको, ये बलून मौली है, तीनों के तीनों बलून मौली है, बहुत डोमिनेटिंग है ये। यहाँ पर सारे मिक्स्ड फ्राइज है, गप्पीज के है एंड हमारे रिवर फ्राइज है। तो सब भाई बंधु एकदम मिल चुके हैं एक दूसरे के साथ तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है अब, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा फाइट करते हैं बट या दे आर ऑल फाइन। इसमें स्पॉटेड बाब भी है। हाँ ये दोनों स्पॉटेड बाब है, ये जो है ना थोड़े एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा रिवर फिश। तो चलो मेरे पास तो है फ्राइज, मैंने पूरे जो है फ्राइज को यहाँ से ट्रांसफर कर लिया और अभी इसको क्लीन करके मैं वो प्लास्टिक लगा लूँगा। शायद मैं वो प्रोसेस स्किप करूँगा क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड दोस्तों वैसे भी ठंडी के मौसम में ना फिश की ग्रोथ थोड़ी सी ना स्लो हो जाती है, बहुत फास्ट ग्रो नहीं करते। तो देखा आप लोगों ने एक ही लेयर यूज़ किया मैंने, बाकी रिमेनिंग रख दिया और मैंने बिल्कुल वॉश कर लिया अच्छी तरीके से और रेड कलर बहुत प्यारा लग रहा है। मैं क्या करने वाला हूँ एक ही साइड में पूरा जो है मैं डेकोरेशन करने वाला और बाकी पूरा साइड खाली रखूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको कुछ करने वाला, तो आप देख लीजिए। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा हॉर्नवर्ड जो हमारा प्लांट है उसी को लगाने वाला हूँ और लंबा प्लांट हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये प्लांट्स मैंने काफ़ी सारे रिसेंटली कलेक्ट किए हैं, कम से कम इसमें 12 है तो सब लगा लेंगे। एंड ये साइड पूरा खाली रखेंगे, हमारे पास लंबे वाले प्लांट्स है वो लगाएंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। गाइस मैंने सारे फिश को इसमें ट्रांसफर कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो आपको 30 से भी ज़्यादा फिश है प्राइस को मिलाकर। तो इनको मैंने यहाँ पे रखे ताकि जल्दी से एक्वाइंटेड हो जाए और फिर मैं इनको यहाँ डाल दूँ। तो इस टैंक में अभी मैंने वाटर पंप लगाया हुआ है क्योंकि हमने सोल्यूशन डाला है तो वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। नौ बारी आती है हमारे सबसे बड़े वाले प्लांट को यहाँ पर लगाने की, तो ये काफ़ी ह्यूज है तो जस्ट ऐसे ही डाल देंगे यहाँ पर और ये सुबह तक सेट हो जाएगा। तो इनको सेट होने देंगे और अब हम ऐड करेंगे वाटर लेटस बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी वाले और इनको साइड में ही रहने देंगे इधर, तो ये बिल्कुल साइड में रहेंगे। और मौली पॉन्ड को थोड़ा प्लांटेड अगर ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत खुश हो जाते हैं, मैंने देखा है, आपने भी देखा है उनका ग्रोथ और कलर्स भी देखे आपने इन सबका। देन ये लास्ट बंच, उसके बाद हमारे ये सेटअप बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद लाइक 1-2 आवर्स के बाद हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे सारे मछलियों को, ठीक है। तब तक ये पूरा सेट हो जाने दीजिए और इसका लुक अगर आप कल देखोगे, मैं कल एक शॉट डालने वाला हूँ इसका, फिर आप देखना कि ये प्लांट्स कितने अच्छी तरीके से सेट हो गए, सब अपर डायरेक्शन में रहेंगे और एकदम मस्त लगेगा। एंड ये रेड कलर काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, रेड में ग्रीन, वाओ नाइस। हे गाइस मैं नहा धोकर खाकर 2 घंटे के बाद आ रहा हूँ, सोच करके अपॉइंटमेंट हो गया और डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी मछलियाँ नीचे कूद गई। क्या क्या बाकी है अंदर? ओके ये लोग हैं, मैंने बोला ना ये बहुत एक्टिव है, ये पहले ही कूद गई देखो यहाँ पे। और कुछ फ्राइज, बहुत सारे फ्राइज निकल गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ से निकले कैसे। तो काफ़ी सारे फ्राइज निकल गए, तो ऑलरेडी घूम रहे, तो गप्पी फ्राइज भी निकल गए। तो मैं काम करता हूँ अभी, इनको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इनको नया घर मिल गया और इनको सबको यहाँ छोड़ देंगे। यस तो सारे के सारे चले गए। एंड दोस्तों
अगर आप ये देखोगे लेमना माइनर, यहाँ पे इतने सारे डकवीड है, ये पहले वाले से ही आ गया है, मैंने यहाँ पे कोई एडिशनल नहीं डाला है, मतलब पत्तों में लगा हुआ था वही डकवीड यहाँ पे आ चुका है इतने सारे। तो दोस्तों हो चुका है नया मॉली पॉन्ड तैयार, उसके साथ रिवर फिशेस भी है एंड काफ़ी सारे हमारे गप्पी फ्राइज भी है, और मैं देखता हूँ क्या क्या डाल सकता हूँ इसमें बाद में, शायद मैं इसमें स्नेल्स एंड शायद हम थोड़े से स्ट्रिम्स भी डाल सकते हैं बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं। और ये प्लांट्स देखिए, मैंने बोला ना आपको ये थोड़े टाइम के बाद एकदम मस्त जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे और बहुत प्यारे लगेंगे। दोस्तों ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा, तो दोस्तों ज़रूर बताना कि ये टैंक आपको कैसा लगा ये सेटअप, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या राय है यहाँ पे और आपके क्या विचार है मतलब इस टैंक को लेकर, बताना तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, कुछ नए वीडियोज़ लेकर जल्दी वापस आता हूँ, बाय।